सभी भाइयों को सुबह की प्यारी सी राम राम बोल शंकर भगवान की जय। गंगोत्री धाम के दर्शन करने के बाद आपके बाद वापस आ गया था उत्तरकाशी, तो बीच में रुक गया था, बहुत तेज बारिश थी और बीच में एक बस भी खाई में गिर गई थी, तो उसको निकाला जा रहा था, उस वजह से जाम लग गया था। लेट हो गए थे, करीब 9:30 बज गए थे पहुँचते पहुँचते, और अभी बज रहे हैं 8:30। तो अभी मैं यहाँ से निकलूँगा केदारनाथ के लिए, तो अभी सफ़र बहुत लंबा है पर लेकिन कट जाएगा आप लोगों के सहयोग और प्यार से। अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अंकल का नेचर बहुत बढ़िया है। पार्किंग वगैरह आपको यहाँ मिल जाएगी गाड़ी पार्क करने के लिए, तो देर ना करते हुए अब निकल रहे हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए। तो बोल शंकर भगवान की जय। दोस्तों सामने जो सीधा रोड जा रहा है वो चला जाता है आगे उत्तरकाशी की तरफ, इधर से हम यमुनोत्री तरफ से आए थे और सीधा जाएगा ये आपको गंगोत्री। मैं फ़िलहाल इधर से आया गंगोत्री की तरफ से और इस फ्लाईओवर से अपना लेफ्ट ले लिया है और सीधा आगे जाएंगे अब केदारनाथ की तरफ। और फिलहाल बात करें मौसम की, तो आज मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, मतलब रात से ही बारिश है और आगे भी बारिश अभी लग रही है कि आगे बारिश बरकरार है। गंगा मैया के आप दर्शन करो। रोड देखो आप, रोड की कंडीशंस, रोड बहुत अच्छे हैं अभी तक तो अच्छे हैं। और अंकल बता भी रहे थे कि ये रोड नया रोड बना हुआ है, ये है ग्राम थलन, ये नया हाईवे है उत्तरकाशी से केदारनाथ के लिए। तो अभी हम पहुंच गए हैं गांव थलन। हाईवे तो बढ़िया बना हुआ है, अभी तो नया ही है तो बढ़िया ही है। बाकी व्यू देखो साइड में, व्यू और नज़ारे आपको यहाँ एक से एक मिलेंगे। और उत्तरकाशी अभी यहाँ से 17 किलोमीटर है, यानी कि हम 17 किलोमीटर इस हाईवे पे चल दिए हैं। धासु बैंड यहाँ से भी जा सकते हैं, 40 किलोमीटर पड़ेगा, और यमुनोत्री भी जा सकते हैं यहाँ से 142 किलोमीटर, गंगोत्री 117 किलोमीटर। बात अगर करें रोड की तो रोड बहुत बढ़िया है, हाईवे है, नया हाईवे है और एक से एक व्यू, एक से एक नज़ारे हैं यहाँ पर कहीं कहीं थोड़ा सा नैरो हो जाता है और एकदम से टर्न आ जाता है, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चल रहे हैं हम भी, 30 मैक्सिमम 30 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चल रहे हैं। ये रास्ते गांव की तरफ जा रहे हैं और अभी यहाँ पे ना देखो सूरज का पता ही नहीं है, सामने बादल देखो कैसे आ गए हैं। रोड खाली होते हैं तो जैसे कोई गाड़ी सामने से आ जाती है तो एकदम दबाना पड़ता है गाड़ी को साइड में, फिर गाड़ी का रिदम टूट जाता है, मतलब चलते चलते चढ़ाई तो है यहाँ इस रास्ते पे ना, टोटल चढ़ाई चढ़ाई है। अभी 20-22 किलोमीटर चल लिया होऊंगा मैं, पर अभी तक चढ़ाई चढ़ाई है। तो उत्तरकाशी से 53 किलोमीटर पड़ता है दखोली, ये दखोली विलेज है, रूम एंड हॉल, मतलब छोटे छोटे रूम बना के रखे हैं गांव वालों ने। पर घुमाव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, अरे 50 मीटर पे घुमाव मिल जाएगा। तो फिलहाल रास्ते तो अभी तक बहुत अच्छे हैं, एकदम साफ सुथरे हैं, कहीं टूटे भी नहीं हैं, एक आध पैच है कहीं टूटा हुआ हो। दोस्तों फिलहाल मैं रुक गया हूँ कुछ खाना बनाने के लिए क्योंकि भूख लगने लगी है, सुबह बस हल्का सा दूध पिया था फिर उसके बाद चल दिया था यात्रा पे। तो फिलहाल आप नज़ारे देखो भाई साहब, कितना बढ़िया मौसम है, और मौसम के साथ साथ व्यू कितने बढ़िया हैं। ऊपर देखो बादल बिल्कुल पास में ही हैं, बिल्कुल पास में ही, और अपनी कैरावैन मैंने रोड के बिल्कुल पास ही लगा दी है। अब मैं बनाऊंगा राइस, नमक मिर्च के चावल, और इन वादियों के मैं थोड़ी देर बैठूंगा। बोल केदारनाथ बाबा की जय। अभी बजे केवल 12:15 और खाना बना लेते हैं, 15 मिनट में बन जाएंगे हमारे फ्राइड राइस, तो तुरंत पहले खाना बनाते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। हालांकि अकेले खाना बनाना थोड़ा सा खाना अजीब सा लगता है, पर क्या करें, काफ़ी पेट का सवाल है, कब बनाना तो पड़ेगा। तो दोस्तों बारिश आ गई है, बस खाना ही बनने वाला है, भगवान बस 5-7 मिनट और रैम कर दो, खाना बन जाए, गाड़ी में आराम से बैठ के खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके बाद यात्रा कर लेंगे। इधर बन रहे हैं मेरे राइस, नमक मिर्च के चावल, और गाड़ी अभी
खड़ी है, और नीचे का व्यू दिखाता हूँ भाई साहब, क्या जबरदस्त व्यू है। देखो चढ़ाई, देखो चढ़ाई, चढ़ाई देख रहे हो, ये देखो ये गाड़ी चढ़ रही है कैसे, देखो देख रहे चढ़ाई कितनी जबरदस्त चढ़ाई है। यहाँ पे थोड़ी एरिया है जिसमें चढ़ाई है, बाकी तो सब नॉर्मल सा ही है। सो दोस्तों, मेरी यात्रा में कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई भूल चूक हो रही हो तो उसके लिए सॉरी। खाना बनने वाला है, और खाना खाने के बाद अपनी यात्रा को फिर आगे बढ़ाएंगे, चलेंगे आगे की तरफ केदारनाथ बाबा की तरफ, यानी केदारनाथ धाम। ये हाईवे बनने के बाद कुछ तो प्रभाव पड़ा है, लोगों की ज़िंदगी सुधरी है। जो लोग यहाँ से, मतलब पहले कुछ छोटे मोटे रास्ते होते होंगे, लेकिन हाईवे बनने के बाद यहाँ पे होम स्टे, होटल, फूड पॉइंट वगैरह वगैरह, मेडिकल स्टोर वगैरह, मतलब बहुत सारा कारोबार बढ़ गया है। तो ये हाईवे मुझे अच्छा लगा कि लोगों को मदद हुई इस हाईवे से। लोग, मैं जैसे रास्ते में आ रहा था, देख रहा था बहुत सारी मार्केट्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन जब ये हाईवे नहीं होगा तब क्या हाल होगा। लेकिन अब बढ़िया है, अंत भरा तो सब भला। तो मैंने कि हाईवे बनने के बाद यहाँ के लोगों का जीवन आसान हो गया है, ये देख के अच्छा लगा। दोस्तों, खाना मेरा बन गया है, राइस बस उतने ही बनाए जितने ज़रूरत है, बाकी फालतू में खाना ख़राब हो वो अच्छा नहीं है, दो बार खा लेंगे। अभी तक तो देखने में अच्छे लग रहे हैं, तो आप लोग भी आ जाओ खाना खा लो। ये हो गए हमारे तैयार राइस। हाँ, आधा रास्ता हमने करीब करीब तय कर लिया है, और आधा रास्ता हमारा रह गया है। रोड देखो आप, वो कहीं कहीं तो बहुत नैरो रोड हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता गाड़ी कहाँ चलानी है, कैसे नहीं चलानी है। अभी एकदम से गड्ढा आता है, लिख देते हैं भाई साहब, कष्ट के लिए खेद है। आई डोंट नो इंग्लिश, आई नो ओनली इंग्लिश। सो दोस्तों, वो जो हमें ग्रुप मिला था यमुनोत्री में जब जाम में फंसे हुए थे, तो ये लेडीज ग्रुप दोबारा से मिल गया है। ये देखो, व्हाट्स योर नेम? चंद्रा। यू फ्रॉम मलेशिया? ये सभी मलेशिया से आए हैं। और व्हाट्स योर नेम? वल्ली। वल्ली मलेशिया टू। माय नेम इज सुशीला फ्रॉम मलेशिया, आई एम अ टीचर। यू आर अ टीचर? या नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है, टीचर हैं, बट यू नो हिंदी लिटिल बिट? बेसिकली यू आर इंडियन ना? इंडियन। सो फर्स्ट यू से आई एम ए इंडियन, बट राइट नाउ वी आर लिविंग इन मलेशिया। अगेन, यू बोर्न इन मलेशिया? योर पेरेंट्स बोर्न इन इंडिया? इंडिया। एंड यू, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज जीवा, आई एम फ्रॉम मलेशिया। कैन यू स्पीक थोड़ा लाउडली? आई एम जीवा फ्रॉम मलेशिया एज वेल। Your profession, you are a housewife or? No, I'm accountant. You are accountant. Yes. तो देखो भाई साहब, एक टीचर है, एक अकाउंटेंट है, और आप? I work in telecom. IT में है? You? ये बहुत सा मतलब की रोटी बेलना, समझ रहे हो? तो मतलब चार चार हैं, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं यहीं रहूंगा, ठीक है? ये जो आंटी देख रहे हो ना, ये इनकी मदर है, और ये मेरे को मिले थे यमुनोत्री में। जो आंटी का नेचर है ना, वो मेरे जैसा ही है, जोली टाइप, पता है? अभी वहाँ क्या हुआ, गंगोत्री में पलटा बजा रही थी, पलटा लड्डू बना रही थी, बताओ, समझ रही हो? तो आंटी मतलब मस्त है, बिंदास। तो आंटी ऐसी रहना हमेशा खुश, हैप्पी, बोल शंकर भगवान की जय। गाइस, तेंदुआ गया अभी, तेंदुआ जस्ट अभी भाई साहब, तेंदुआ यहाँ पे, तेंदुआ लेपर्ड घूम रहा है, लेपर्ड, लेपर्ड है यहाँ पे, यहाँ पे नीचे, यहीं पे, हाँ यहीं 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 पे, हाँ यहीं पे से, यहीं से गया अभी, अभी अभी गया यहीं से। अरे आप जाओ, क्यों रुक, रुको मत ना, हाँ अभी अभी जस्ट अभी तो गया है, अभी मेरी गाड़ी के आगे से उतरा है बिल्कुल, हाँ ऊपर से नीचे आया। तो फिलहाल मैं तो जा नहीं रहा हूँ आगे, पहली बार लेपर्ड देखा मैंने यहाँ पे रियल में अपनी आंखों के आगे भाई साहब।
हवा खुश होकर शीशे चढ़ा दिए तुरंत मैंने। कुछ मिलता है बताने? देखा पर दिखाई नहीं दिया, वो तभी का समय था, अचानक से आया एकदम से, चीता था बिल्कुल चीता भाई साहब। हवा खुशक हो गई एक मिनट में ही, ऐसा लगा भाई साहब क्या हो गया हो, शीशे खुले हुए थे, शीशे तुरंत चढ़ाए जबी के जबी, गाड़ी रोक दी मैंने वहीं। हाँ पर अब चल रहा हूँ आगे की तरफ, ये मिलते रहेंगे भाई, एक मिला था वो बता रहा था कि मिलते रहेंगे आगे। पर इस क्षेत्र में पहली बार लोगों ने देखा है, यहाँ पे उस सबने बताया कि पहली बार हमने सुना है। 3:55 में शाम के, और मौसम देख लो और समय देख लो, पीछे तो मैं रुका ही नहीं, वहाँ मन कर रहा था रुकने का भाई साहब, जब वो निकल के गया मेरे आगे से, मुझे इतना समय भी नहीं मिला कि कैमरा ऑन कर लूँ। ये झूठ मूठ की बात नहीं है, आपको विश्वास करना है तो अच्छी बात है, नहीं विश्वास करते तो उसमें भी कोई बात नहीं है। ये देखो तो व्यू तो यहाँ से एक नंबर है ज़बरदस्त, और सामने देखो पत्थर कितना बड़ा है। अगर आप इधर आ रहे हो तो इस पर ज़्यादा आगे मत जाना यार, रिक्वेस्ट है, अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना है। और ये देखो बादल ऊपर। सो दोस्तों फिलहाल हम पहुंच गए हैं चिरबिटिया, बारिश हो रही है हल्की हल्की, देखो तो मौसम का मज़ा लेंगे अब हम, और ड्राइव भी करेंगे साथ साथ में, ताकि मौसम ख़राब होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा रास्ता हमारा कवर हो जाए। अभी तो करीब 4:00 के आसपास समय हुआ है, और अभी बचा है करीब 125 किलोमीटर। कितना बचा है भैया केदारनाथ यहाँ से? 122 किलोमीटर के पास आस है भाई बता रहे हैं, तो मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है, बारिश हो रही है। सो दोस्तों समय हुआ है 5:25 और हम पहुंच गए हैं रामनगर लोंगा। अरे अंकल जी देख लो। तो दोस्तों समय हुआ है 5:50 और हम पहुंच गए हैं सुमाड़ी, ये पड़ता है आपका तिलत्ता में ही पड़ता है। फिलहाल अभी ऊपर से नीचे आए हैं तो मार्केट है, मेन बाज़ार है, आगे फोर्स ट्रैवलर ट्रैवल लगी है, जाम की लाइन देखो कितनी लंबी है, जाम की लाइन देखो कितनी लंबी है, छोटा रास्ता है ना, दोनों तरफ का ट्रैफिक चल रहा होता है। मार्केट तो बड़ी है यहाँ पे। सो दोस्तों पहुँच गए हैं तिलवाड़ा, ये तिलवाड़ा के रोड हैं, और आगे से जैसे पुल आता है तिलवाड़ा का, उससे हमें लेफ्ट को आना होता है, एक रास्ता राइट को भी जाता है। यहाँ रोड की कंडीशन देखो कितनी अच्छी है, चौड़े रोड हो गए हैं, हाईवे, अभी थोड़ी गाड़ी चल सकती है तेज। अभी समय हुआ है 6:09 और रास्ते देखो यहाँ थोड़े से खराब हैं। चलो कोई बात नहीं, पार हो जाएंगे आराम आराम से। बोल शंकर भगवान की जय। अब आप बताओ कौन सा गांव है ये या कौन सी जगह है ये? यहाँ आगे पे तो बेड़बगड़ पड़ता है, हाँ। इससे आगे जाएंगे तो सोड़ी है। सोड़ी है, ग्राम सभा अच्छा। एक ही है, दोनों ग्राम सभा एक ही है, हाँ। तो करीब समय हुआ है 6:15 के आसपास का, और नीचे देखो ये गंगा जी है जी, पूछ रहा था मैं उनसे, तो गंगा जी बह रही है, कितना रौद्र रूप है अभी फिलहाल, बहुत बहाव बहुत तेज है। थोड़ी देर रुक गया हूँ, गाड़ी चला चला के थोड़ा थक गया था पहाड़ों पे, तो थोड़ा फ्लैट सा एरिया आ गया, सांस मिल रहा है दबा के यहाँ पे, मतलब ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा है, मजे से आराम से टेंशन फ्री। बोल शंकर भगवान की जय। बस चले जा रहे हैं, देखते हैं कितने देर में पहुँचेंगे, बस थोड़ा ही बहुत बचा होगा अब, तो कोशिश ये है कि कल को ज़्यादा भागा दौड़ी ना करना पड़े, कल से सीधे बाबा केदारनाथ की यात्रा की चढ़ाई के लिए स्टार्ट कर देंगे, तो इसलिए ट्रैवल कर रहे हैं रात में, ताकि कल सुबह आसानी हो जाए। यहाँ पे आके रास्ता थोड़ा सा ऐसा ही है, डामाडोल सा, ऊबड़ खाबड़ ज़्यादा है। अभी बजे हैं 6:58 फिलहाल जाम में फंस गए हैं,
आगे बसों का जाम लग रहा है, ट्रैवलर का लग रहा है, पीछे भी देखो, पीछे भी दूर से दूर तक जाम ही जाम लगा हुआ है। सो दोस्तों पहुंच गए हैं गुप्त काशी, समय हुआ है 7:45। नीचे तो रास्ता बहुत ख़राब था, हालत भी ख़राब थी, बसों की हालत ख़राब हुई पड़ी थी, बस नहीं चढ़ पा रही थी पर, लेकिन ऊपर वाले के दर पे आए हैं तो ऊपर वाला सबकी नैया पार कराता है। अब बस जल्दी से कहीं जगह देखेंगे। सो दोस्तों टाइम हुआ है 9:03, ये देखो 9:03 हो गई हैं। अभी हम पहुँचे हैं सीतापुर। भाई साहब रोड ऐसे हैं, इतने बुरे रोड हैं, क्या कहूँ, बस यहाँ के रोड तो बहुत ख़तरनाक हैं, वो भी रात में। वो तो एक लोकल ड्राइवर वाले की समझदारी के साथ साथ मैंने पीछे पीछे गाड़ी लगाई तो पार हो गए। फिलहाल गाड़ी की पार्किंग के लिए जगह देख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ होटल वालों से, अगर मिल जाएगी तो। सोनप्रयाग यहाँ से करीब 3 किलोमीटर आगे है, तो वहाँ पार्किंग में ही खड़ी करनी है, तो मैं सोचा सुबह को खड़ी कर देंगे। अभी 9 बज गए हैं, लेट हो गया है, और सुबह को यात्रा भी करनी है, तो बिल्कुल प्रेस मूड से यात्रा करेंगे, जो थकान भी ना रहे शरीर में। तो दोस्तों समय हुआ है 9:43, और मतलब रात तो काफ़ी हो गई है। अभी पहुँचे हैं सोनप्रयाग। बीच में रास्ता सच में इतना ख़राब था, 4-5 किलोमीटर का पैच, तो भाई साहब कुछ कहना ही नहीं है। और सामने देखो पार्किंग, कैरावन लगा दी है सामने फर्स्ट फ्लोर पे अपनी, और अभी फ़िलहाल मार्केट को देखने जा रहा हूँ, उसके बाद में बैठ के अभी थोड़ा सा सोनप्रयाग देख लेते हैं, घूम लेते हैं रात में। सर ब्लॉगर हमें भी दिखाओ ना, रूम बॉय, ये रूम बॉय। हाँ अभी हेमंत गैरुला आपने कहाँ रूम ले रखा? अभी हमारे पास अपना खुद का रूम होता है, कहाँ पे हमारी गाड़ी रूम है। तो अरे भाई काम करना अपना। तो भाई सोन पर देख रहा कैसे बात करते हैं, ये सब दारू पी लेते हैं शाम के टाइम और ऐसे ही रहते हैं। अगर 2000 रुपये इन्होंने कमा लिए ना तो बस फिर कोई अलग ही बात है। क्या हाल है भाई लोगों? बढ़िया सर। देखो ये लोग भी अच्छे हैं, वो पता नहीं दारू भी रखी थी क्या थी, क्या क्या बोल रहा था। ये जो नहीं पीने वाला है ना वो वाकई में अच्छा होता है, सही बात है ना। ये है सोनप्रयाग, वेलकम टू सोनप्रयाग। ये नाइट का व्यू है, इसलिए नाइट में आया कि नाइट का व्यू आपको दिखा सकूं, जहां आपकी नज़र जाएगी होटल होटल होटल। यहां से देखो भाई साहब पूरी मार्केट दिखाई देगी आपको, ये देखो रात का व्यू अलग होता है, दिन का अलग होता है। दिन में क्या है ना वो चमक चौथ दिखाई नहीं देती है जो रात को दिखाई देती है, देख रहे हो। वाह चारों तरफ लाइटें ही लाइटें, और समय कोई भी हो आपको यहाँ लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, खाना यहाँ आपको 24 घंटे मिल जाएगा। और ये है कोतवाली सोनप्रयाग, खोया पाया केंद्र सोनप्रयाग, ऑपरेशन मर्यादा सेक्टर मजिस्ट्रेट सोनप्रयाग, स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र। तो ये यहाँ का मेन्यू कार्ड है, चाय 20 रुपये, स्पेशल चाय 30 रुपये, कॉफ़ी 35, मिल्क 30, आलू पराठा 50, बाकी आप पढ़ लो पूरी डिटेल। तो ये चार्ज है यहाँ के खाने का, ये रेट लिस्ट है इनकी। हमें तो खाना खाना नहीं है, हमने तो हमारा पेट फूल है, क्योंकि हमारे दिन का ही चावल बचे हुए हैं, हम तो वही खाएंगे, वही चावल खाएंगे और प्रभु के गुण गाएंगे।